कैसे पर लगाए हैं? 1500 बाट। चलिए दोस्तों, ये फीमेल शॉकर हैं, हरे कबूतर का शॉकर हैं ये। कितने का जनाब ये? क्या आंखें खराब हो रही हैं, आंखें सूज रही हैं कबूतरों की, तो आंखों में कोई ड्रॉप भी असर नहीं कर रहा। तो मिकदार दस ना कि थोड़ा जने को या कोई 10 तो 12 गोलियां बना लेंगे। मैं ऐसा में कि दूसरी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या कय्यूम, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है। कैसे पर लगाए हैं? 1500 बाट। 1500 रुपये पर। चलो दिखाएं कोई अच्छा सा कबूतर। ये ले दोस्तों, ये फीमेल शॉकर हैं, मादी है ना। कितने की फाइनल होगी ये? 1200 की हो जाएगी, इससे कम नहीं होगी। ये रही दोस्तों, और दिखाएं अच्छा सा। ये ले जी दोस्तों, हर एक कबूतर का शौक करें जी। ये कितने का? 1500। अच्छा, हरा भी 1500 का, डाब वाला भी 1500 का। यार जब इनके कलर मुख्तलिफ है तो रेट भी तो मुख्तलिफ होना चाहिए। मिक्स है। अच्छा, फिक्स है। अच्छा, फाइनल कितने का होगा ये? 1200। सही। अच्छा, एक आपका आपका नाम क्या है? हनी है? हनी 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 क्या नाम हुआ वैसे? असल वली मोहम्मद है। अच्छा, सही नाम बताया करो ना, वली मोहम्मद। कितना प्यारा नाम है माशाल्लाह। हनी कोई नाम तो नहीं ना, ये तो लड़कियों वाला नाम हो गया हनी। ठीक है, तो नाम क्या? हनी आपका वली मोहम्मद, माशाल्लाह। ये कितनी कमी पेशी करेंगे? 1200 होगी। 1200 की हो जाएगी। तो इसके अलावा क्या करते हैं आप कबूतरों के अलावा? पढ़ता है, काम करता है। किस चीज का? दर्जियों का। पेंट कोट सी लेते हैं? लेडीज का। तो किसी की दुकान पे ही अपना करते हैं? काम सही होता है। कितनी दिहाड़ी लगा देते हैं आप? दिहाड़ी हफ्ते में 5-6 हज़ार लग जाती है। 5-6 हज़ार लग जाती है। काम नहीं ना है। नमाज आती है पूरी आपको? अच्छा, चलो फिर सूरह इखलास आती है? कुल अल्लाह जी सुनाए। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, कुल अल्लाह वाहद, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल अल्लाह वाहद, कुल अल्लाह वाहद, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। तो ये आपके लिए यमुना मुजाहिद की तरफ से 500 रुपया इनाम, ये आपके लिए रख लें। ये आपने जो सूरत सुनाई है, इशा की नमाज में रकाते कितनी होती है? 17 रकाते। फर्ज कितने उसमें? फर्ज में 4 फर्ज होते हैं। हाँ जी। और 3 कार। 3 4 फर्ज होते हैं, 3 कार होते हैं, 7 4 फर्ज होते हैं, 3 वितर होते हैं। 3 वितर होते हैं। कितने होते हैं? 3 वितर। हाँ, 3 वितर होते हैं, 4 सुनते गैर मौकदा जी और 4 मौकदा। ठीक है, ऐसी ही है जी। बहुत शुक्रिया। ये ले जी दोस्तों, लाखे के उतर का शौक करें जी। कितने का जनाब ये? 1500 रुपए का। ये ले जी, लाखा कबूतर 1500 का। और अच्छे से कबूतर का शौक कराए जनाब जरा। ये कौन से बटेरे हैं? कितने की है ये? 1000 रुपए की बटेरी। इसकी आंख इधर वाली कुछ थोड़ी सी खराब लगती है मुझे। कबूतर ज्यादा है। अच्छा, ये ले
बस यही अच्छे हैं दो ही या और भी इसके अलावा है? जो देख रहा है। अच्छा ये गोल्डन कबूतर दिखाएं, ये कितने का? हजार का ही है। नारा के माती है ये नारा। पट्टा है अभी दोस्तों, इसके आंख में ना जहर बात ना निकल रहा है, लेकिन शायद रुक गया या आगे बढ़ेगा ये कंफर्म नहीं है। गोल हड्डिया और पांच जोड़ है इसका, माशाल्लाह इसका जोड़ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा उड़ने वाला पट्टा। कितने का फाइनल हो जाएगा ये? कितने की? 800। नाम क्या आपका? अली हैदर। अली हसन, माशाल्लाह। अली हैदर नाम बड़ा प्यारा आपका। अगर आपसे अली हैदर, आपका इतना प्यारा नाम है आपको बता नहीं सकता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किसने किया था? यजीद। यजीद क्या नाम क्या था उसका? यजीद का नाम यजीद ही सुना। यजीद ही सुना। कुल वल्लाह वाहद। हाँ सुनाए। कुल वल्लाह वाहद। अल्लाह समद लम जालित वलम जुलत वलम जकल्ला कुफुनाहत। कुफुनाहत। काम क्या करते हैं आप? काम सर जी मैं स्पीडो बस। स्पीडो बस पे काम करते हैं। तो ये काम कब से करते हैं? ये बस हो गया बस कर रहे हैं सर। आप अहले तशरीह हैं? हाँ जी अहले तशरीह हैं। हाँ जी। ये आपने सूरह इखलास सुनाई है, ये 500 रुपये आपका इनाम है गुमनाम मुजाहिद की तरफ से। ठीक है ठीक है, ये आपका इनाम है। मेहरबानी भाई। 500 रुपए 400 रुपए 500 400 सारे खटिया खांदे दरबारी। हाँ कबूतर नहीं जी, ये उड़दे बड़े ने। कितना उड़दे ने? बहुत उड़दे ने, दूजिया नालों चंगे ने, टैडियां गोल्डन नालों घर ते आंदे ने। जमीन तो उड़न गए, बकरी से बैठ गए, बकरी से उड़न गए, कटे तो उड़न गए, मज से मज तो उड़न गए, बनेरे तो उड़न गए, सीधा तूड़ी वाले समान वाल नहीं जान गए। नहीं नहीं द्वार से बैठ गए, द्वार तो उड़न गए। अच्छा द्वार से बैठ गए, द्वार काड़े आए ने। काड़े आए ने लाता रहन गए? हाँ जी नहीं रात तक रह नहीं रहेंगे, टाइम नाल ही बह जाएंगे, लेकिन बहन के घर। अच्छा हाँ चलो एक चीज दसो, दी नमाज से फर्ज किन्नी है? टोटल रकातां किन्नी है? टोटल रकातां नहीं सर जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ फिर से एक दफा सुना दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलो माशाल्लाह ताडे कबूतर बहुत अच्छे ने। ठीक है जी। हाँ जी ए तुहानू आई नाम कलमा शरीफ दा गुमनाम मुजाहिद दी तरफ। चलो बिस्मिल्लाह। पतली गली से निकल जाते हैं, आज पकड़े गए हैं तो आगे देखे नुस्खे बताना भी कोई आसान काम नहीं होता, कोई अपने हाथ काट के नहीं देता। तो उस्ताद मोहतरम ये मैंने माइक लगा दिया आपको, मेरे आज 3 सवाल 2 या 3 सवाल आपसे करूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्त ने ये मुझे कहा कि आंखें खराब हो रही है, आंखें सूज रही है कबूतरों की, तो आंखों में कोई ड्रॉप भी असर नहीं कर रहा, तो उनके लिए इलाज बता दें। देखो ये जी अखा खराब हो रही है, उन्होंने रेशा हो रहा है, रेशे की वजह तो जी अखा खराब हो रही है, रेशा जरा ना आ रहा है, अखा चो पानी भी निकल रहा है, अखा पानी के निकलने के अखा गल जाए ने, यानी कि सुरख हो जाती है। अच्छा तो तुम इन्हें रेशे की दवाई दो, लीफलोक्स गोली जी है ना, वो जी ना मेडिसन जी लीफलोक्स हैगी है, तो जो देसी दवाई दोगे तो फलोक्स पूरा नाम दसो। लीफलोक्स गोली ना, लीफलोक्स गोली है। हाँ जी उन्होंने पीस के ना उन्होंने ना आटे मिक्स करके ना काली मर्ची दिया गोलियां बना लो। अच्छा वो जे ना एक एक सुबह के टाइम दे दिया करो तो रेशा खत्म होना शुरू हो जाएगा। जे देसी दवाई की गल कर दो तो दालचीनी तो काली मिर्च नहीं, पहले उस डीफ्लोक्स कितनी गोलियां कितने आटे में पानी है? मैं तुम्हें एक गोली की मकदार दसना कि थोड़ा जना गोलियां कोई 10 तो 12 गोलियां बनन गी अपना काली मिर्च दा काली मिर्च देनी है। ठीक हो गया। तो ये देसी दवाई जी होर है इंग्लिश दवाई है जी, तो देसी दवाई हैगी है जी दालचीनी काली मिर्च तो लौंग। सही इन्हें तुम मिक्स करके पाउडर बना लो चाहे पानी बना लो। सही वो तुम पानी पियांदे रहोगे तो रेशा खत्म होना शुरू हो जाएगा। रेशा खत्म होना शुरू। ये जो लोग ड्राप पाते हैं ना ड्राप के नाल उतो कबूतर की अक सगों ही गलनी शुरू हो जाए, जिन्हें तक मेदा नहीं सही होएगा अक सही नहीं होएगी। अच्छा ये बीमारी सिर्फ ना सावन भादो च आंदी है? ज्यादा सावन भादो च आंदी है। इस विच गंदगी दी वजह तो आंदी है? नहीं नहीं ये गंदगी दी वजह तो नहीं आंदी, इहना दा दाणा जिहड़ा जिहड़ा हुंदा ना सिल्ला हो गया हुंदा, सिल्ला हो गया हुंदा और अंदर जाके जाला बन जांदा, जाला बनदा मेदा रुक जांदा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਕਵੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਲਕਵੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ।
ਸਾਰੋਂ ਦੋਸਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਜ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਕਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਕਵਾ ਚੋਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਰਾ ਹਿੰਗ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿਓ 8 ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀਰਾ ਹਿੰਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੀਰਾ ਹਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ 12 ਭਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਹਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇਰਾਨੀ ਹਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਹਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਿੰਗ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਰਾਨੀ ਹਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਹਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਹਿੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੀਰਾ ਹਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੇ ਨਾਲੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰੀ ਗਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਆਈ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਉ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਆਸੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਦਵਾਈ ਬੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ 0323 49 458 458 ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਮਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਗੁਮਨਾਮ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੋਸਤ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਜਨਾਬ ਇਹ 4000 ਕਿਤਨੇ ਕਾ 4000 ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਇਸਕੀ ये कटा हुआ क्यों है जनाब ये सर जी ऐसे ही आया आए या से पैदल आया कि लेके आए हैं लेके आए ऐसा लेके आए हैं चार उंगली हड्डी है और बन जोड़ है बच्चा मेरी बात से हंस रहा है अभी पूछ लेना चाहिए ना अभी पैदल के नाम है अच्छा पैदल मैं तुसी बेशक कैमरे जाना चाहते हां जी ये ले जी दोस्तों जोड़ा लगा हुआ है और अंडे बच्चों की गारंटी कह रहे हैं लेकिन आपने दोस्तों माननी नहीं है ठीक है ना मार्केट से ये कबूतर फिर भी जाके आप गारंटी मत दें भाई बस ताकि दोस्त भाई किसी का इतराज ना बने कि यार फला जगह से कबूतर मंगाए थे तो उसने अंडे बच्चे नहीं किए कमी पेशी करें और ये फीमेल है ये टैडी कबगर क्रॉस लगती है मुझे क्यों जी सादे मोहतरम ये ले जी दोस्तों ये फीमेल है कितने का जोड़ा बताया जी 4000 का ये भी जोड़ा है इसकी फीमेल भी दिखाएं जरा कैसे कैसी तबीयत है जनाब बराबर है चैनल वाले जी जी कहाँ से तशरीफ लाए हैं कोहाड़ से अच्छा इधर तो आए कोहाड़ तो मेरे मुर्शिद का शहर है जनाब मैं आदर ख्वाजा जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह का मरीज हूँ ये लगेगा उधर ये वो तो ये वीडियो लगेगा बिल्कुल लगेगा कंकुल शरीफ को आया था क्वार्ट ला कंकुल शरीफ जिंदा पीर जिंदा पीर कंकुल शरीफ कंकुल शरीफ बिल्कुल चार साल लगता है ना 10वें महीने में लगता है आप यहाँ आपकी वहां दुकान है या शौक के लिए लेने नहीं शौक के लिए आए हुए अकेले ही आए क्वार्ट से आए हुए अकेले ही आए अकेले आए हैं ये बच्चा भी साथ है नहीं नहीं बच्चा नहीं हम अकेले आया हूँ बच्चा से अच्छा अकेले ही आए हैं कौन से कबूतर का शौक करते हैं यही बस टेडी और गोल्डन है और क्या है टेडी और गोल्डन मंडी कैसी लगी आप अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बराबर उधर का कैमरे में देख के पश्चिम में मेरे दोस्तों को बताएं जो आपके इलाके की वीडियो देखेंगे यहाँ आना चाहिए या नहीं अच्छा कबूतर यहाँ मिलता है यहाँ अच्छे कबूतर मिलते हैं और अच्छी कीमत में भी मिलते हैं सस्ते में बताया इन्हें जो उर्दू नहीं समझ सकते तो आपकी जुबान समझेंगे वो समझते है उर्दू समझते है आसान कीमत की मिले हुई वो और आसानी का तारीन दी वो हक कीमत की मिले हुई तारीम दी सही तो कितने बजे वहाँ से बैठे थे उधर से मैं तकरीबन 9 बजे का गाड़ी निकल गया
दिन को या रात को? रात को 9 बजे निकल गए क्वार्ट से। अच्छा, अभी इधर सुबह सवेरे नमाज के लिए इधर पहुंच गए, फजर के टाइम। हाँ, फजर नमाज के टाइम पर पहुंच गए। कितना किराया लगा था? ये 2100 रुपए किराया एक तरफ का, एक तरफ का। खाने पीने का अलग से? हाँ, वो तो अलग है। चलो शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये जी जोड़ा है दोस्तों, ये एसी की गारंटी दे रहे थे आप, वो दूसरा। ये कितने का जोड़ा? 3000 का फाइनल है। लो जी दोस्तों, 3000 का जोड़ा फाइनल है। लो जी दोस्तों, नर का शौक करें। तीन हजार का भाई जान ने ये जोड़ा बताया। आजकल कबूतर क्रीच में है दोस्तों, पर वगैरह गिरा रहे हैं, तो परों में हो सकता है कि इस तरह की कमी पेशी हो। ये नर है ना, ये ले दोस्तों, गोल हड्डी है इसकी और इसका हल्का सा जोड़ खुला है। हाँ जी, ये फीमेल है। ये ले जी दोस्तों, कमी पेशी भी करे साहब। ये 4000 का, ये 3000। एक आपने 4000 का बताया जोड़ा, एक आपने 3000 का बताया, ये 2000, ये 2000 का दिखाई दी। पर ठीक है, वो बताने दे। गुड नेम? मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज, ठीक है जनाब। अयाज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी तबीयत है? मार्केट में काम की रूटीन सुनाए कैसी है? मार्केट काम में भी ठंडी है। ठंडी है, कैसे पर लगाएंगे? ये 700 रुपये। 700 रुपये पर। VIP से निकाल के दिखाएंगे नए परों वाला। ये नहीं दोस्तों, ये माशाल्लाह अच्छा उड़ने वाला है। किसी ने ना इसे रंग से भर दिया है, लेकिन ये किसी ने पकड़ के काट दिया और ताज़ा ही कटा हुआ है। और ये पट्टी है मेरे ख्याल से, ये अच्छी उड़ने वाली है। कितने की जनाब बताइए आपने? 700 रुपए। और VIP से दिखाएं। ये नए परों पर अलग। ये नहीं दोस्तों, लाखे कबूतर का सुरक्षा करें। कितने का भाई जान ये कबूतर? 2500 रुपए। उड्डा है कबूतर सर? छत्री जनाब। ये नहीं दोस्तों, शार के कबूतर की जो मेन निशानी होती है, इसकी नीचे से नोक जो है ना काली होती है, ऊपर से सफ़ेद होगी और नीचे से काली होगी। ठीक है, मेन निशानी शार के कबूतर की ये होती है। पुराने वक्तों के ये शार के कबूतर माशाल्लाह बड़े अच्छे उड़ते थे, अब जरा टैडियों की वजह से जो है ना इनका रुझान कम हो गया। कितने का ये? 2000 रुपये। गोल हड्डी है जनाब, बंद जोड़ है। रंग लगे ने कहना भी जोड़िया लग रहा है दोस्तों। ये बच्चे रामपुरी बच्चे किने दे फाइनल दसे ने? 1500 रुपए फाइनल। कमी पेशी कोई नहीं सर, मेरे भाई ऐसे नहीं दस रहे। हां जी, कमी पेशी कोई नहीं।
ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਰਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੈ 8 ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਤਈਅਤ ਤਈਅਤ ਨੇ ਪਾਗ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਕਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ कितना सा हो गया ये काम करते हुए हो गया 7-8 साल 7-8 साल हो गए जी ये इतने से माल से दिहाड़ी लग जाती है छोटे से लग जाती है गुजारा हो जाता है कितने की दिहाड़ी 800,000 हो जाता है 800,000 से गुजारा हो जाता है बड़ी बात है ये कितने का सारा ये सारे बिस्कुट कितने की ये 670 का है जी 670 की ये पैकेट कितने का देते हैं ये 50 और ये वाला ये 30 का ये 30 का जी ठीक है ये कितने के सारे हो गए 670 के 670 के हो गए तो चलो फिर बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके बांट देंगे बांट दे इधर इधर अच्छा कितने पैसे बने थे आपके इधर आए जरा सामने 670 रुपए बने थे जी। तो नाम क्या बताया था अली रजा अली रजा भाई आप ये बताएं इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं 17 रकातें जी उसमें फर्ज कितने हैं 8 चार फर्ज है ठीक है ना चले खैर आपका सामान कितने पैसे बने सारे 670 ये ले 1,000 रुपया गुमनाम मुजाहिद की तरफ से आपका ये सारी आप रख रहे ₹1,500 रुपए पर लो तुसी बिस्किट खाओ तो मैं शौक रंगाने से क्या मादी के नारे पता नहीं लो जी 200 फीमेल लगती है संदूरी बलकों के हैं मादी लगती है 1500 की बताई आपने लो ये 200 चार उंगली हड्डी और 5 जोड़ है और अच्छे से कर दिखाने आप बिस्कुट खाएं मैं खुश शौक करवा देता हूँ आप बिस्कुट खाएं जनाब टफ वाली मादी है ये भी 1500 की है इसे लकड़ी की कसर तो नहीं है शायद हो थोड़ी आप खरीद के लाए किसी से क्या बात है जी ये है दोस्तों रियलिटी थोड़ा ये पीछे दोस्तों ये फीमेल लगती है 1500 रुपये मांगा भाई ने इसका एक तरह से अंदर से जोड़ भी थोड़ा मुड़ा हुआ है लोग इधर चेक करते हुए जानवर के साथ जुल्म भी कर देते हैं तो इस तरह नहीं करना चाहिए किसी दोस्त भाई को ये ले सर जी कहाँ से आते हैं शदरा बेगमपुर दुकान है उधर अपनी कितना सा हो गया सर ये काम करते हुए ये हो गया 12-13 साल हो गए माशाल्लाह मुझे आपकी एक आदत बड़ी अच्छी लगी कि आपने किसी चीज की ना गारंटी दी है ना आपने ये बताया कि ना रह के माती है जिसका पता चल जाए उसका बता दो जिसका ना पता चले यही दोस्तों असूल है यहाँ से बंदा कोई चीज मंगवा लेता दोस्त भाई देखे वहां जाके कोई और चीज निकला है तो बंदा फिर कहता बुरा भला ही कहता रहता है ठीक हो गया सर आपका बहुत शुक्रिया कोई और भी आपके उस VIP है तो दिखाएं जी दोस्तों ना रहना भाजन ये उसकी बनावट ही बता रही है ये कितने का ये 5,000 का
5000 का नर बताया। ये अकेला ही है, जोड़ा तो नहीं? नहीं, ये जोड़ा है। ये जोड़ा, ये पकड़ने, वो दिखाएं। ये गारंटी के साथ बच्चे भी उड़ाता है। अच्छा, ये गारंटी की भी गारंटी है, अंडे बच्चों की भी गारंटी है और गारंटी के साथ बच्चे भी उड़ाता है। ये कबूतर कौन सा, 79 वाला है? 79 वाला। 79 वाला और मादी 82 वाली? हाँ जी, मादी। अच्छा, ये नहीं दोस्तों, मादी 35 वालों में से है और नर जो 79 वालों में से है। गारंटी के साथ भाई जी ने बोला कि बच्चे उड़ाता है, ये जोड़ा लगा हुआ पेयर है। कितने का ये? ये 5000 का। 5000 का, अच्छा जी। छोड़ना ना अभी, चार उंगली हड्डी और बंद जोड़ा है। ये नर था दोस्तों और ये मादी है। ये नहीं दोस्तों, ये फीमेल है, इसकी हड्डी भी तकरीबन 3.5 उंगली और बांध जोड़ है। और कमी पेशी करेंगे 1500 वाले कबूतरों में, कहाँ तक फाइनल हो गई है सर? सारे लेने हैं या नहीं? कोई आपसे कोई 2-4-5 मंगवा लेता है। सारे लेने तो 1000 रुपए पर, चुन के लेने तो 1200 रुपए पर। 1200 रुपए। और ये जो आपने जोड़ा बताया गारंटी वाला, हाँ जी, ये कितने का? ये फाइनल 5000 का है। फाइनल। और डैडी कबूतर? वो 3500 का मिल जाएगा। 3500 का मिल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी। दोस्तों भाईजान जो ना शर्मा के शो करवा रहे हैं, तो अच्छे कबूतर जो उन्होंने नीचे रखे हैं, एक और कबूतर नजर आ गया। ये कितने का जनाब? ये 3000 का। ये कौन सा, शेखपुरी कबूतर है? ये लाहौरी कबूतर है, लाल अंक में। लाहौरी लाल अंक के? वह कसूरी नहीं, लाल अंक के। अच्छा, लाहौरी लाल अंक के। ये ले जी, ये कितने का जनाब? नाम लेंगे तो फिर ज्यादा रेट हो जाएगा ना। अच्छा, ये कितने का फाइनल हो जाएगा? ये 2500 का। ये 2500 का फाइनल है ये? हाँ जी। गोल हड्डी है, बंद जोड़ है दोस्तों, जोड़ हल्का सा खुला है इसका दोस्तों। ये ले जी, ये टैडी फीमेल है। हाँ जी। एक टांग नहीं लगता इसकी है? नहीं है, टांग है। देखें कहाँ है? ये देखिए ये टांग। अच्छा, अंदर छुपाई हुई है उसने। ठीक है, मैं कह शायद दूसरी टांग नहीं है इसकी। ये नहीं दोस्तों, पहले टांगों से ही चौक कर ले। ये फीमेल है। ये कितने की जनाब? ये 2500। ये सखी भट्टी साहब वाली है या चौधरी वाली है? दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। चले दोस्तों, साथ नहीं, टेस्ट में पास हो गए हैं, दोनों एक ही चीज है। ये कितने की बोली है जी? 2500 की। 2500 की। ठीक हो गया। ये नहीं, ये इंसान टैडी, ये मियां साहब वाले कबूतर है। मियां साहब वाले हैं? चौधरी वाले भी बोलते हैं, मियां साहब वाले भी बोलते हैं। तो चौधरी साहब वाले ही सही है। ये भी फीमेल है, थोड़े छोटे से जुड़ी है, 3 उंगली हड्डी है दोस्तों इसकी, 5 जोड़ है और कैंची है पाँव में भी। ठीक है जी। ये ले जी दोस्तों, एक और का शौक करें। ये कितने का जनाब? ये भी 2500 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर, मेहरबानी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम सलाम। क्या करने आए मार्केट में? कबूतर बेचने आए। कबूतर बेचने आते हो जी? किसके साथ आए? पापा के साथ। पापा के साथ आए। क्या नाम है आपका? शार। मेरा यूसुफ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन में। वन में पढ़ते हो अभी? अच्छा, कुरान शरीफ पढ़ते हो जी? दूसरा कलमा आता है आपको जी? सुनाए जरा। दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने कोई देना, अशहद ला इलाहा वहदहू ला शरीक लहू, अशहद अन्ना अब्दुहू व रसूलुहू। एक दफा फिर सुनाए। दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने कोई देना, अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, अशहद अन्ना मुहम्मद अब्दुहू व रसूलुहू। ये ले दोस्तों, माशाल्लाह बच्चे ने कलमा शरीफ सुनाया। ठीक है दोस्तों, मैं भी कोई आलम नहीं,
ठीक है ना, कोई मैं इमाम नहीं, और मेरी भी 100 गलती है, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो मैं पेशगी आपसे माजरत चाहूंगा। माशाल्लाह बच्चे ने दिल खुश कर दिया, तो आप ऐसे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि छोटे बच्चों में दीन सीखने की लगन पैदा हो। तो ये ले बेटा आपका 500 रुपया इनाम, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ शाम।